हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगी जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं। देखिए यहाँ पे हम उनकी इमेज भी देख पा रहे हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास पीएस श्रीधरन पिल्लई, सत्यदेव नारायण आर्य जी, रमेश बैस, थावरचंद गहलोत, बंडारू दत्तात्रेय जी, हरि बाबू खम्बमपति जी, मंगू भाई छगनपति पटेल, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो मैं आपको लर्न करवाऊंगी किस तरह से ट्रिक के साथ बहुत आसानी से आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 8 नए राज्यपाल जो है वो अपॉइंट किए हैं और ये 8 अलग-अलग स्टेट्स में है। इनकी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले हमारे पास जो गवर्नर आ रहे हैं वो है थावरचंद गहलोत जी, और इन्हें अपॉइंट किया गया है कर्नाटका के गवर्नर की फॉर्म में। ये कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा चुके हैं। ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2014 से 2021 तक ये रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। अभी रिसेंटली इन्होंने रिजाइन किया था, और क्योंकि इन्हें एक गवर्नर की पोस्ट दे दी गई है, यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो थावरचंद गहलोत, देखिए थावरचंद गहलोत जो है ये कर्नाटका के गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं। तो किस तरह से हम याद करेंगे, देखिए थावरचंद यानी चांद निकला है, चांद निकला है तो कहाँ पे, कर्नाटका में, तो यहां से हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हरि बाबू खम्बमपति, हरि बाबू खम्बमपति जो है इन्हें मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं, और ये बेसिकली कहाँ से हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। ये 16वीं लोकसभा के सांसद भी रहे, और करंटली ये अपॉइंट किए गए हैं मिजोरम के। मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न की एक स्टेट है, और अभी बहुत बड़ा एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है असम के बीच में और मिजोरम के बीच में। इनको कैसे याद करेंगे, देखो हरि बाबू खम्बोपति, यहाँ पर पति वर्ड देख सकते हैं, और एक तरह से निक नेम जो होता है बाबू वर्ड जो है ये भी हस्बैंड के लिए यूज किया जाता है कहीं ना कहीं। तो यहां से कोरिलेट कर पाएंगे हरि बाबू खम्बमपति जो कि अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो होप सो आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये बेसिकली आते हैं कहाँ से, गुजरात से, और गुजरात में पटेल और बैन ये जो टाइटल होते हैं काफी कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो मंगू भाई छगन भाई, देखिए इनके नाम से ही है, जो इनका नाम है एमपी एमपी, और ये कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज अ गवर्नर, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में पहले जो गवर्नर थे वो थे लालजी टंडन, लेकिन इनका देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई लालजी टंडन जी की। फिर एक तरह से एडिशनल चार्ज दिया गया था जो यूपी की गवर्नर रही उनको, एक तरह से एडिशनल चार्ज दे दिया गया था, और अभी करंटली फुल फ्लैग जो होता है ड्यूटी जो दे दी गई है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी को। इससे पहले जो यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल थी वो भी मध्य प्रदेश की गवर्नर एक तरह से एक्ट कर रही थी, लेकिन अब फाइनली मंगू भाई छगन भाई पटेल जी जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं गुजरात से। जब नरेंद्र मोदी जी एज अ चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वहां पर डिप्टी नहीं, हम कहेंगे कि एक तरह से स्पीकर स्पीकर रहे ये। गुजरात की जो विधानसभा है वहां के स्पीकर का रोल भी ये अदा कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसके अलावा गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, क्वेश्चन आ सकते हैं।
मंगू भाई छगन भाई पटेल, नाम से ही है एमपी, और एमपी मतलब मध्य प्रदेश हो गया, जो कि सेंट्रल में हम कह सकते हैं कि हमारी एक स्टेट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिन्हें अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, देखिए इसको हम किस तरह से लर्न करेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ। हिमाचल प्रदेश को आप कह सकते हो हिमालय, कि हमें किसकी चढ़ाई करनी है, हिमालय की चढ़ाई करनी है। तो हिमालय में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली तो करना पड़ेगा, अर्लेकर। अर्ली से क्या हो जाएगा, अर्लेकर, कि हमें हिमालय पे चढ़ना है तो हिमालय पे चढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा, तो ही तो हम फर्दर जितने भी माउंटेन्स है उनको कवर कर पाएंगे। भी 8,848 मीटर, इतना लंबा चढ़ना तो कोई नॉट एन इजी जॉब, तो उसके लिए अर्ली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राजेंद्र अर्लेकर जो है ये गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, इन्हें 21st गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश अपॉइंट किया गया है। ये सब इनकी डिटेल है। इसके अलावा ये स्पीकर भी रहे हैं गोवा असेंबली के, ये गोवा से आते हैं, और गोवा वो स्टेट है जो सबसे छोटी स्टेट कंसीडर की जाती है। और इसके अलावा गोवा असेंबली को पेपरलेस बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, देखिए पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्हें ट्रांसफर किया गया और इन्हें अब करंटली जो है ये गवर्नर, एक तरह से देखिए पीएस श्रीधरन इन्हें एक तरह से ट्रांसफर करके गोवा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है, कि मैं गोवा जा रही हूँ। आप किस तरह से याद कर सकते हैं कि मैं गोवा जा रही हूँ, और अपना जो पेट होता है पिल्ले के साथ, यहां से काफी इजी हो जाएगा लर्न करना। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है इन्हें एक तरह से गवर्नर बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है गोवा का। नेक्स्ट देखिए सत्यदेव नारायण आर्या जो थे, ये एक तरह से राज्यपाल रहे थे हरियाणा के, लेकिन करंटली अब ये त्रिपुरा, इनको ट्रांसफर कर दिया गया। अभी हमने चार ऐसे गवर्नर्स देखे थे जिन्हें कहीं ना कहीं रीशफल, उनको एक तरह से अलग अलग, उनका जो तबादला हम कह सकते हैं, उन्हें चेंज किया गया, अलग अलग जगह पे भेजा गया। तो देखिए सत्यदेव नारायण आर्य जी का तबादला करके, ट्रांसफर करके इन्हें त्रिपुरा, त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और ये त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले ये हरियाणा के एक तरह से राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। और हरियाणा में कौन आ गया, देखो बंडारू दत्तात्रेय जी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ हरियाणा। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का रोल अदा कर रहे थे, और इसके अलावा ये एमपी भी रहे लोकसभा के, सिकंदराबाद महाराष्ट्र से 2014 से लेके 2019 तक। और ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी हमने गवर्नर्स देखे हैं ये सभी बीजेपी से ही है, भारतीय जनता पार्टी से ही है। ये हरियाणा के करंटली यानी 18वें नंबर के गवर्नर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है, बंडारू दत्तात्रेय जी को। इनको कैसे याद करेंगे, देखिए हरियाणा नाम से ही हो गया हरि, हरियाणा हरि जी का हम कह सकते हैं कि जो जगह होती है एक तरह से प्लेस होता है, और यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे एक तरह से भंडारा लगाया जा रहा है, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हरि होते हैं वही क्या करते हैं, वही देने का काम करते हैं, उन्हीं से ही हम अपनी प्रार्थना जो होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट इज रमेश बैंस, रमेश बैंस जी का एक तरह से गवर्नर इन्हें अपॉइंट किया गया है झारखंड का। तो किस तरह से याद करेंगे, देखिए मैं झरना देखने जा रही हूँ बस पे, तो झारखंड हो गया झरने से, एंड रमेश बैंस जो है आप बस से कोरिलेट कर सकते हैं कि मैं झरना देखने बस से जा रही हूँ। तो इसके अलावा देखिए ये झारखंड के 9वें और वर्तमान राज्यपाल के रूप में काम करेंगे, और इससे पहले ये त्रिपुरा के गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका जो है वो निभा चुके हैं। ओके,
तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ, कल हमने जो अपनी वीडियो की थी जिसमें हमने देखे थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 52 की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 हमें बताता है देश में एक प्रेसिडेंट होंगे। तो मैंने आपको कहा था जो प्रेसिडेंट है, और इसी तरह से आप कोरिलेट कर दीजिए जब आप आर्टिकल गवर्नर, जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, संवैधानिक हेड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, उसी तरह से स्टेट के जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर, जिनको हम बोलते हैं राज्यपाल। अब देखिए आप किस तरह से कोरिलेट करेंगे कि जो प्रेसिडेंट है वो जैसे ही अपॉइंट कर रहे हैं न्यू गवर्नर, वो 101 रुपए का शगुन भी डाल रहे हैं। तो बहुत इजी हो गया, 52 में आप जोड़ दीजिए 101, तो यहाँ पर हो गया 153। 153 हमें बताता है गवर्नर के बारे में कि जो भी स्टेट्स है वहां पर गवर्नर होंगे। यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर एलजी होते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ओके, उसके बाद इसमें वन जोड़िए यानी आर्टिकल 53 हो गया, और आर्टिकल 53 हमें बताता है शक्तियों के बारे में, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसकी, प्रेसिडेंट की। और उसी तरह से 153 में जब आप वन जोड़ेंगे तो आर्टिकल 154 हो जाएगा, और ये बताता है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियां किसकी, गवर्नर की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी, गवर्नर की। 53 में वन जोड़ा तो हमारे पास आ गया 54। तो आर्टिकल 54 हमें किसके बारे में बताता है, हमें बताता है देखिए यहाँ पे पावर हो गया, यहाँ पर है इलेक्शन के बारे में, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन का मतलब होता है निर्वाचन, हम कहेंगे निर्वाचन जो होता है, यानी कौन कौन से एमपीज हैं, कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब इसी तरह से 154 में आप 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 155, और 155 जो है वो हमें बताता है अपॉइंटमेंट के बारे में, यहाँ पर क्योंकि जो गवर्नर्स होते हैं उनकी इलेक्शन के प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता, उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी महामहिम जो होते हैं वही फाइनल जो होते हैं डिसाइड करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई गवर्नर अपना एक तरह से देना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि अपना रिजाइन देना चाहते हैं, अपना एक तरह से त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो वो भी किसे देंगे, वो प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर ओथ की बात आती है कि जो राज्यपाल होते हैं इन्हें ओथ कौन दिलाता है, तो इन्हें ओथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के, वो क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 156 जो होता है वो टर्म को बताता है, टर्म का मतलब होता है कि कितना इनका कार्यकाल होगा। नॉर्मली संविधान के अंदर इनका कार्यकाल नहीं बताया गया है, लेकिन हम 5 साल कंसीडर करते हैं। इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति जी के एक तरह से प्रसाद पर्यंत यानी जितना भी लंबा टाइम वो रखना चाहे एक तरह से उन्हें रख सकते हैं, यानी उनके प्लेजर पे ही वो कहीं ना कहीं रहते हैं टाइम उनका एक तरह से, लेकिन फिक्स नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, स्टेट के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसके चांसलर कौन होंगे, उसके चांसलर होंगे गवर्नर यानी राज्यपाल। स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसके चांसलर होते हैं गवर्नर, और जितनी भी सेंटर की यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर कौन है, उसके कुलपति कौन है, तो उसके कुलपति है महामहिम प्रेसिडेंट जी। तो होप सो आज हमने वीडियो की जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जाने, और जो 8 इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट हुई है प्रेसिडेंट जी के द्वारा गवर्नर्स की, तो वो भी देखी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।